एवरीवन, वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 4, एग्रीकल्चर कृषि. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि एग्रीकल्चर का क्या मीनिंग है. एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट हेल्थफुल, मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट नोबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन. किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी इंसान के लिए ये सबसे हेल्पफुल है, सबसे यूज़फुल है और सबसे नोबल एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि इस एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज़्यादा मेहनत है और नेचर के साथ डायरेक्टली इंसान इसमें जुड़ता है. और इसीलिए इसको यूज़फुल भी इसलिए माना जाता है क्योंकि एग्रीकल्चर से हमें बहुत कुछ मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है जिसके ऊपर बेस्ड हमारे दूसरे सेक्टर हैं. यानी प्राइमरी सेक्टर जो हमारा है वो एग्रीकल्चर है, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर भी हमारा इसी पे डिपेंडेड है. अब इंडिया में एग्रीकल्चर की हम बात करेंगे. इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री. अब भारत देश जो है वो क्या है, एग्रीकल्चर के बेस पे सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी यहाँ के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व्ड हैं. एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जितने भी हम सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं तो उनको हम कंज्यूम करते हैं, जैसे कि फूड. तो हम एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है, एग्रीकल्चर ही प्रोड्यूस करती है फूड को. इसके बाद है एग्रीकल्चर ऑल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज़. अब जो एग्रीकल्चर है ये हमें कच्चा माल देती है दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए. अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कि सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर इसी पे डिपेंड रहता है, एग्रीकल्चर पे ही, क्योंकि कच्चा माल हमें कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से. तो ये एक बेसिक सेक्टर भी इसको कहा जाता है. इसके बाद है डिड यू नो. अब इसमें ये है, इंडिया इज़ द सेकेंड इन द वर्ल्ड ऑफ क्रॉप आउटपुट नेक्स्ट टू चाइना. अब ये हमारा वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है एग्रीकल्चर में हमारा देश, जो कि चाइना के बाद हमारा सेकंड नंबर पे आता है. इसके बाद हमारा जो 1.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड जो है इंडिया की, वो कल्टीवेशन के अंडर आती है. और बाकी जो हमारा इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल हमारा एरिया है. एग्रीकल्चर जो है भारत में बिगेस्ट इकोनॉमिक सेक्टर है और इसमें एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है 52.1% टोटल वर्कफोर्स का, यानी कि 52.1% जो है लोगों को इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट मिलता है और रोज़गार इसमें दिया जाता है. अब हम बात करेंगे फार्मिंग की, कितने टाइप्स होती हैं. तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे 3 टाइप्स होते हैं. ओवर ईयर कल्टीवेशन मेथड इन इंडिया हैज चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंडेड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्निकल एंड हाउ नो हाउ द सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस. तो ये अलग अलग तरीके से हमारी जो कल्टीवेशन के मेथड हैं वो डिपेंड करते हैं कि वहाँ का क्या फिजिकल एनवायरनमेंट है, क्या टेक्नोलॉजी है, तो इसी प्रकार से क्या वहाँ की सोशल और कल्चरल वहाँ की कंडीशन है, तो इस पर डिपेंड करता है. तो फार्मिंग जो है सबसिस्टेंस फार्मिंग है, वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एंड फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कमर्शियल फार्मिंग. सबसिस्टेंस क्या होती है, जीविका निर्वाह, जो हम अपने सिर्फ अपने गुजारे के लिए खेती करते हैं. और कमर्शियल क्या होती है, कमर्शियल जो है जितना हम कंज्यूम करते हैं उसके अलावा जितना बचता है उसको हम व्यापार में इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद है एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिस्ड. तो भारत के अंदर अलग अलग प्रकार की, तो भारत के अंदर अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है, अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के अलग अलग खेती की जाती है. तो ये हमारी 3 टाइप्स की है. सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीमिटिव सबसिस्टेंस, सेकंड नंबर पे हमारा आएगा इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड थर्ड इज़ कमर्शियल फार्मिंग. तो हमारा जो इसके अंदर आपको बताया है मैंने, एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट लिवलीहुड प्रोवाइडर इन रूरल इंडिया. रूरल इंडिया, ग्रामीण जो भारत है हमारा, जो गाँव का क्षेत्र है वो डिपेंड हमारा है, हमारा उनका जो लाइवलीहुड है वो किस पे डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करता है.
नेक्स्ट इज़ जो फर्स्ट टाइप था हमारा एग्रीकल्चर का, कौन कौन से मेथड थे? 3 मेथड थे. फर्स्ट इज़ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू प्लेसेस ऑफ इंडिया. ये भारत के कुछ ही भागों में यूज़ की जाती है, और जैसे स्मॉल पैच ऑफ लैंड, थोड़े से हिस्से में खेती अगर कोई कर लेता है तो. इसमें क्या होता है, प्रिमिटिव टूल्स जैसे हो, डो, डिगिंग स्टिक्स, और फैमिली कम्युनिटी लेबर, यानी कि फैमिली के व्यक्ति ही, परिवार के सदस्य ही इसके अंदर खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून. तो जो ये फार्मिंग है ये डिपेंड करती है मानसून पे. अब जैसे इसमें और कोई फैसिलिटी नहीं होती किसी के पास, क्योंकि वो सिर्फ अपने ट्रेडिशनल मेथड से ही करते हैं. इसमें 2-4 उनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं और फैमिली मेम्बर्स ही लेबर करते हैं, और ये डिपेंड करता है कि मानसून कब आएगा तो ही इनकी फसलों को पानी मिलता है. एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, जो भी लैंड की नेचुरल फर्टिलिटी है वही इसमें काम आती है. और इसके बाद क्या है, जो सूटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरनमेंट कंडीशन. अब जो एनवायरनमेंट कंडीशन वहाँ की कैसी है, सूटेबल है या नहीं है, ये डिपेंड करता है. तो इसीलिए इस एग्रीकल्चर को हम क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन. अब कोई भी स्मॉल पैच ऑफ लैंड है, कहीं भी अगर फॉरेस्ट में चले जाते हैं तो वहाँ पर जंगलों को साफ करके क्या करते हैं लोग, खेती करते हैं जंगलों को जला कर या काट कर. तो फार्मर क्लियर द पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस क्रॉप्स ऑफ सस्टेन देयर फैमिली. उनके परिवार को उजारा के लिए वो क्रॉप्स उगाते हैं. व्हेन सोइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज, जब जैसे ही सोइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, द फार्मर शिफ्ट एंड स्टार्ट कल्टिवेशन इन द सेम वे. तो वो क्या करते हैं, जैसे ही उसकी लैंड की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है तो वो क्या करते हैं, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर कृषि करने लगते हैं, खेती करने लग जाते हैं. तो वो दूसरी जगह पर जाएंगे तो वहाँ की फर्टिलिटी उनको सही मिलती है, और जो हमारी लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पर वो छोड़कर चले जाते हैं. तो प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ लो. तो इससे क्या होता है, फार्मिंग की प्रोडक्टिविटी लो होती है. जैसे फर्टिलाइज़र और मॉडर्न इनपुट्स इसके अंदर यूज़ नहीं होते, यूज़ नहीं किए जाते. तो इस प्रकार से इसके अंदर आप देख रहे हो स्मॉल पैच ऑफ लैंड, जैसे कि हिल स्टेशन, जैसे कि हिल्स पर कहीं भी पहाड़ी क्षेत्रों में भी कोई भी थोड़ा सा भी जगह मिलती है, उसको साफ़ करके वहाँ पर खेती करते हैं. कहीं भी उनको छोटा सा हिस्सा मिलता है, वो अपने जीविका निर्वाह के लिए कृषि करते हैं. दैट इज़ द सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जीविका निर्वाह कृषि. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक क्लियरली. डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो.